हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61% पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। 61% पश्चिमी मरुस्थल के प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ है? राजस्थान के चंबल बेसिन का प्रदेश बीहड़ है। राजस्थान के चंबल बेसिन का प्रदेश बीहड़ है। बागड़ के नाम से क्या जाना जाता है? बागड़ के नाम से मध्य माही का मैदान नाम जाना जाता है। बागड़ के नाम से मध्य माही का मैदान जाना जाता है। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह क्या कहलाते हैं? राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह बीड़ कहलाते हैं। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह बीड़ कहलाते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है? राजस्थान के बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। राजस्थान के बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। डेगाना, बिल्लाड़ा, पाली तथा जालोर किसके भाग है? डेगाना, बिल्लाड़ा, पाली तथा जालोर लूनी बेसिन के भाग हैं। डेगाना, बिल्लाड़ा, पाली तथा जालोर लूनी बेसिन के भाग हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच पोटवार का पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच पोटवार का पठार है। चित्तौड़ का किला कहाँ है? चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर है। चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर है। उत्खात कलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती है? उत्खात कलाकृतियाँ धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में पाई जाती है। उत्खात कलाकृतियाँ धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में पाई जाती है। झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ हाड़ौती पठार पर स्थित है। झालावाड़ हाड़ौती पठार पर स्थित है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ कौन से प्रदेश में हैं? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार प्रदेश में है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार प्रदेश में है। डोंगलैंड किसका भाग है? डोंगलैंड करौली पठार का भाग है। डोंगलैंड करौली पठार का भाग है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में है। हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में है। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में कौन सा जिला डॉग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का करौली जिला डॉग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में करौली जिला डॉग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश
खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। मालवा पठार किसका विस्तार है? मालवा पठार दक्षिणी अरावली का विस्तार है। मालवा पठार दक्षिण अरावली का विस्तार है। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में है? रामगढ़ पहाड़ी 12 जिले में है। रामगढ़ पहाड़ी 12 जिले में है। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है। राजस्थान में किस अंचल को बागर प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान में शेखावाटी अंचल को बागर प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में शेखावाटी अंचल को बागर प्रदेश कहा जाता है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में है। विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य है? विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य है। विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य है। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है? राजस्थान के नागौर जिले में बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है। राजस्थान के नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति का विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश का बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण वर्षा की न्यूनता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण वर्षा की न्यूनता है। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच है। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार है। राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।